का स्वागत है खान सर की पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में। तो मैं हूँ अमीशा और आज सर ने सभी को सिखाया है कि रैंडमली फटाफट बोलना कैसे है। अभी तो सर ने सबको सिमिलर टॉपिक्स दिए हैं कि खुश रहने के कोई भी दो तरीके, लेकिन उसके बाद सर सबको कोई भी टॉपिक दे देंगे और उन पे उन्हें बोलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बारी आ रही है यहाँ पर रुद्राक्ष की। तालियां रुद्राक्ष के लिए यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो रैंडम आते हैं आपकी पड़ोस की आंटी। मेरी पड़ोस की आंटी बहुत बेकार है, कहीं भी जाते हैं पूछती रहती है, बेटे कहाँ जा रहे हो, सामान ला दो। हम के नौकर हैं, जो सामान लाएंगे यहाँ से अपना काम करके हम जहाँ जाएंगे। आपका फेवरेट हीरो। मेरा फेवरेट हीरो तो अक्षय कुमार, उसकी एक्टिंग देखी आप लोग ने, क्या है वो तो ऐसी फाइट करता है। मुझे फाइट भी पसंद है पर मैं करता तो नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, मजा आ गया यहाँ पे। गुड 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 गुड। आजा मैं, अभी आज पहला सेशन है मैंग का, तो पहले सेशन में कॉन्फिडेंस देने के लिए तालियां हो जाए भाई। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, किसी से भी फाइट ना करें। दूसरा तरीका, किसी से भी कंपैरिजन ना करें। थैंक यू। ओके मयंक, आपका घर, घर के बारे में कुछ बताइए। मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में दो टॉयलेट है, मेरा घर पिंक कलर का है, मेरे घर में तीन बेडरूम है, मेरे घर में एक हॉल है, उसमें एक बहुत अच्छा टीवी है। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बोलते रहो। मेरे को हिंदी बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी होती है और हिंदी मेरे को लिखने में बहुत परेशानी होती है और मेरे को हिंदी लिखना अच्छा नहीं लगता। तालियां हो जाए इनके लिए, शाबाश शाबाश। मिस्टी योर टर्न, जल्दी 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 जल्दी। यस हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप अपनी फैमिली से परेशान है? यूं सुबह की तू मैंने आपका पूरा संडे खराब कर दिया है। तो मैं मिस्टी आज आपको बताने जा रही हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, इग्नोर, जस्ट जाने दो ना यार। और दूसरा तरीका, कॉम्प्रोमाइज। आप बस कॉम्प्रोमाइज करो, इग्नोर करो और देखना आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहेगी। ठीक है, आपका टॉपिक, कमला बाई बहुत परेशान है। कमला बाई बहुत परेशान है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है पर बेचारी पैसे नहीं है उसके पास, और उसकी बेटी शादी करने के लिए तैयार भी नहीं है, आपको पता है। आपका अगला टॉपिक ये है कि पप्पू अमीशा से शादी करना चाहता है। आप पता है मैंने क्या सुना, पप्पू अमीशा से शादी करना चाहता है। मैंने ये बात अमीशा को बताई पर अमीशा ने उसे तालियां हो जाए इनके लिए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ आपको, आइए। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, कभी एक मिनट रुको, अच्छा आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन खुश रहने के दो तरीकों को लिफ्ट करो और मुस्कुराओ साथ। इनका नाम सनी, अपने नाम के साथ शुरू करो। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है सनी कुमार और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, कभी अपनी तुलना किसी से ना करें। दूसरा तरीका, हमेशा खुश रहें। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, वो आपके पड़ोस में एक नाला है, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे पड़ोस में जो नाला है, मैं तो उससे तंग ही आ गया हूँ। जो उससे पूछिए मत, जो उससे स्मेल आती है ना, उससे मैं इतना तंग हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना घर ही चेंज कर लूँ वहां से। आपकी फ्रेंड अमीशा है, उनके बारे में कुछ बताएं, आपकी को एंकर। मेरी फ्रेंड अमीशा बहुत अच्छी एंकर है, मुझे लगता है वो आगे जाके बहुत नाम कमाएंगी इस लाइन में। दिल्ली की क्या क्या बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं? दिल्ली की क्या क्या बातें अच्छी नहीं लगती? दिल्ली की मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ वहाँ देखो हर जगह कूड़ा ही है कूड़ा है, लोगों को जहाँ देखो वहाँ थूक देते हैं, वहाँ कुछ कर देते हैं वैसे ये मेरा ये जो लड़का सनी है ये बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन आज इसको हम स्टूडियो में लेकर आए हैं। मैं आपको खैर एनीवे बहुत अच्छा लग रहा है, ताली हो जाए इनके लिए। सूर्यांश, कम ऑन योर टर्न। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूर्यांश, मैं आज आपको बताने वाला हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, कभी भी किसी से बहस ना करो। पहला तरीका, कभी भी किसी से बहस ना करें। तुम ऐसे क्यों बोलते हो, ये नहीं चलेगा ऐसे, जल्दी। हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाला हूँ खुश रहने के दो
और दूसरा तरीका सिर्फ अपने दिल की सोचे, अपने दिल की सोचे, अपने दिल की माने, और दैट्स नॉट तरीका, नॉट से निजल, तरीका क्या होता है ये? तरीका क्या होता है ये? तरीका। अपने एरिया के बारे में कुछ बताएं जहाँ आप रहते हैं, जल्दी से। मेरा एरिया बहुत, मेरी उस एरिया की गली बहुत ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पे साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। वहाँ पे बहुत आंटी बोलती है कि मेरा पैर फंस गया, मेरा पैर वो हो गया, और वहाँ पे बहुत मतलब बहुत गिरती है, गाड़ी वाड़ी गिरती है, और वहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ है। बेटा मैंने कहा आप अपने एरिया के बारे में कुछ बताएं, तो आप अपने एरिया के रोड के ऊबड़ खाबड़ के बारे में बता रहे हैं, टॉपिक को समझें, ठीक है। आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं हो? मेरा सब्जेक्ट है, मेरा ईवीएस। खुल के बोलो, चिल्ला के बोलो। ईवीएस पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? वो लंबा बोलते रहना है भाई। क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मैं करता हूँ हल्की हल्की, पर मेरे से नहीं हो पाता है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अब भाई ये भी एक ऐसा केस था जो हकलाता था और कम बोलता था, लेकिन ये बोल पा रहा है। थैंक यू सो मच, तालियां बजाने के लिए जल्दी। ये जो अभी कैमरा लेके जा रहा हूँ, इनकी पहली क्लास में इनकी आवाज निकलती थी आयुष। कैसे निकलती थी? आयुष। आज कैसे निकलती है? माय नेम इज आयुष। कमाल की बात है आयुष, तो चलो शुरू हो जाओ। खुश रहने के दो तरीके, पहला सबकी मदद करें, उससे वो भी खुश रहेंगे और उनके कारण आप भी खुश रहेंगे। दूसरा हमेशा पॉजिटिव थिंक करें। हमेशा पॉजिटिव थिंक करें या पॉजिटिव में कोई बात नहीं, लेकिन बेटा खुश रहने से पहले आप थोड़ा मुस्कुराइए ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका सोप कौन सा है जिससे आप नहाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा सोप डेटॉल का है, डेटॉल, डेटॉल बहुत मस्त, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत मस्त है, इसलिए मैंने उसे खरीदा था, और वो चलता भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपने नेगेटिव्स बताओ, बताते रहो, जल्दी करो। मेरे क्या? अपने नेगेटिव्स बताओ, घबरा बहुत रहे हैं, जल्दी करो। मेरे नेगेटिव्स, मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो वो लेजी हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तालियां बजाने में जो भी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर, अब बारी आ रही है संस्कृति की। कमान जल्दी से शाबाश, तेज बोलना। ये भी आज पहला चेहरा है, देखते हैं क्या कर पाती है क्या नहीं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ संस्कृति सिंह, और मैं आपको आज बताने वाली हूँ खुश रहने के दो तरीके। तो फर्स्ट थिंग इज कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए। एंड सेकंड थिंग इज अपने हर मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करिए, एंजॉय योर एवरी सिंगल मोमेंट। ठीक है, वाह बहुत अच्छा बोला, ताली हो जाए, ये कमाल की है बिल्कुल। अपने फेवरेट हीरोइन के बारे में कुछ बोलो। ओके, तो मेरी फेवरेट हीरोइन है कियारा अडवाणी। ऐसे मेरी फेवरेट हीरोइन है कियारा, जो भी है मुझे बोलना नहीं आ रहा है। यस यस, मेरी फेवरेट हीरोइन है कियारा अडवाणी। उसकी अभी नई मूवी भी आई है भूल भुलैया, तो वो मैंने भी देखी, वो बहुत प्यारी और अच्छी मूवी है, मेरे को बहुत पसंद भी आई। उसकी हर मूवी बहुत अच्छी होती है, फॉर एग्जाम्पल शेरशाह, वो भी मेरी बहुत फेवरेट मूवी है। पढ़ाई क्यों पसंद नहीं है आपको? पढ़ाई मुझे पसंद है, बट उसमें कुछ सब्जेक्ट है लाइक मैथ्स एंड एसएसटी, वो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत मैथ्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें मुझको क्वेश्चन सॉल्व। आखिरी टॉपिक, आपकी फेवरेट सब्जी? मेरी फेवरेट सब्जी, मुझे सब्जियां नहीं कुछ खास पसंद नहीं, बट एक पर्टिकुलर है, वो है लेडी फिंगर भिंडी, वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज मेरी मम्मी वो बहुत टेस्टी बनाती है। चलो बहुत अच्छा बोला, शाबाश शाबाश, क्योंकि मुझे उम्मीद, किसी को उम्मीद थी बोल पाएगी। नहीं नहीं, क्या तुझे उम्मीद थी बोल पाएगी? इसकी फ्रेंड है। इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि पूरा ऐसे बोल जाएगी फ्लो में। चल तू आ जा, तू आ चल। हाय, तो मेरा नाम है अमीशा, और मैं आज आपको बताऊंगी खुश रहने के दो तरीके। तो पहला तरीका कि अपने प्रेजेंट में एंजॉय करो, आगे की मत सोचो, क्योंकि अमीशा आप एंकर हैं, एंकरिंग कर रही हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बोलना है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ खुश रहने के दो तरीके। तरीका नंबर पहला, चलिए। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ खुश रहने के दो तरीके। तो पहला तरीका कि अपने आज को एंजॉय करो, अपने कल की मत सोचो, टेंशन मत लो, जो आज है उसे एंजॉय करो और खुश रहो। और दूसरा तरीका कि दूसरों के बारे में मत सोचो कि उनके पास ये है वो है, अपने पास जो है उसी में खुश रहो और एंजॉय करो अच्छे से, उससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि अपने आप को एंजॉय करने से आप हमेशा खुश रहते हो। चलो थैंक यू सो मच, आपको टॉपिक देने के लिए तालियां बजाएं, आप एक्सपर्ट हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं, थोड़े से हमारे सीनियर हैं, भाई लोग हैं यहाँ पर, किशोर भाई, इनके लिए भी तालियां बजाएं, शाबाश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ
खुश रहने के दो तरीके। इट्स नॉट खुश, इट्स खुश। खुश। हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, जो आपके पास है उसमें आप खुश रहना सीखें। थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा सा निपोल आ गया, तुम तो नहीं चलेगा। खुश रहने के दो तरीके, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके। खुश, ये क्या है? खुश। खुश। हाँ, यू आर सेइंग खुश। खुश। हाँ, खुश। चलो आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ ठीक है, आगे 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 आगे। तो पहला तरीका, जो आपके पास है आप लोग उसमें खुश रहना सीखे। मुझे याद आ गया, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखे। ओके ओके ओके। दूसरा तरीका, आप बेवजह की बहस से करने से बचें, उसमें अपना आप टाइम भी खराब करेंगे और अपना मूड भी खराब करेंगे। उसमें अपना टाइम भी खराब करेंगे, अपना मूड भी खराब करेंगे। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन। मैं आपको बताने जा रहा हूँ खुद जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके। रंजन, रंजन, लिफ्ट, आवाज को लिफ्ट मारो, तेज करो। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका है कि जिंदगी में अपने आप को कभी मत खुशो कि ये मेरे पास जिंदगी में ऐसे बोलो, जिंदगी में अपने आप को कभी मत कोसो। कैसे बोलना है? जिंदगी में अपने आप को कभी मत कोसो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमेशा खुश हो, जो आपके पास है बहुत खुश है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। आगे आगे आगे। दूसरा तरीका, कभी भी गुस्सा मत करो। गुस्से करने से आपका मूड खराब होगा, छोटी छोटी बातों में आपका ब्लड प्रेशर तेज होगा, ये कभी मत करे। ओके ओके ओके। हाँ भाई भीकू, जल्दी आ। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रणव और आज आप मैं आपको बताने वाला हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला तरीका, कभी बेफालतू में किसी से ना उलझे। और दूसरा तरीका, अपने अपने दिमाग को एकदम सेंटर में रखे और पॉजिटिव सोचे हर एक चीज के बारे में। ठीक है, अपनी सिस्टर के बारे में कुछ बता। मेरी सिस्टर काफी अच्छी है और उसने काफी अपने लाइफ में स्ट्रगल करा है और सब कुछ अच्छा करती है वो। मेरे को भी थोड़ा बहुत बता। तू किस बात से दुखी रहता है ये बता। मैं तो 3 2 1 जल्दी कुछ ना कुछ बोल। मैं सर, मेरे को मतलब काफी चीजों से अजीब सा रहता है। मतलब मैं मतलब किसी भी चीज में मतलब एकदम परफेक्ट मेरे को लगता नहीं है कि ये चीज करनी चाहिए। मेरे कोई चॉइस नहीं है अपनी ऐसी। कोई बात नहीं, अपने दिल की बात रखी। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी तालियां दो इनके लिए भाई। आओ लास्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खुश रहने के दो तरीके। पहला, कभी भी गुस्सा ना करे। और दूसरा, किसी से भी तू तू मैं बेवजह के ना करे। थैंक यू। घबराहट देखो इसकी कितनी हो रही है। ठीक है, ओके। अपने भाई की शैतानी के बारे में बताओ। मेरा भाई कैमरा देखो। मेरा भाई बहुत ज्यादा लेजी है। वो मेरा भाई बहुत ज्यादा लेजी है लेकिन बहुत सारी बातों के लिए क्रेजी है, इसलिए उसका नाम डेजी है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बात बात में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मुझे दिखाओ कैमरा। तो अभी आपने देखा कि कुछ नए बच्चे थे और कुछ पुराने थे। जो पुराने थे वो लगातार टॉपिक्स पे बोल पाए और जो नए बच्चे थे जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा लाइट्स ये सब सामने आया इनकी हो गई टाई टाई फेस, लेकिन फिर भी इन्होंने बोलने की बहुत कोशिश की है और मुझे अच्छा लगा। तालियां आप सभी के लिए। लेकिन अगर हमें किसी एक को चुनना पड़े आज जिसने कमाल का बोला, बेहतर बोला, वो कौन हो सकता है, या दो को, मैंने तो चुन लिया, वो है कौन? अब बहुत सोच और समझ के जवाब देना। आपके हिसाब से कौन है? सर मिस्टी। मिस्टी? यस सर। आपके हिसाब से? सर मैं सर ये छोटा चेतन। ये छोटा चेतन। हाँ रुद्राक्ष। यू? वो मिस्टी। यू? संस्कृति, जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस टाइम में कर रही थी लेकिन उसने कैमरे के सामने बहुत अच्छा गाया। यू? यू? दीदी? संस्कृति। अच्छा बेटा मैं, तुम्हें कौन अच्छा लगा? रुद्राक्ष। तुझे?
तुझे? मैं ही अच्छी लगी, सेल्फ ऑब्सेशन। मैं को संस्कृति। जनरली बताऊं तो मुझे दो लोग बहुत अच्छे लगे और जबरदस्त लगे। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, जो पहला नाम है जिसने मुझे आज इम्प्रेस किया, मुझे उम्मीद नहीं थी, वो है संस्कृति। के लिए तालियां हो जाए। ऐसा बहुत कम हुआ कि पहली क्लास में कोई चीज जो है। और दूसरा जो मुझे इम्प्रेस किया है वो किया है इसने, रुद्राक्ष ने। मिस्ट्री अच्छी थी, ठीक है, मिस्ट्री को तो हम उसमें लेते ही नहीं है, लेकिन एंड थैंक यू सो मच। देखेंगे अगली क्लास में क्या होता है। रेडी? Bye-bye.